गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी आर स्टडीड अबाउट फिजिकल चेंजेस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शंस। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ऐसे चेंजेस जिनमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनेंगे, नई चीज़ें बनेंगी, उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। ए केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। और जो केमिकल चेंज होता है, ठीक है, उसे ही केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस, नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है वो हमारा केमिकल चेंज हो गया, और उसी केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। All new substances are formed as a result of chemical change. जो ये chemical changes होते हैं हमारी life, मतलब हमारा जो भी daily की life होती है उसमें बहुत important होते हैं। कोई भी नया substance बनता है वो chemical change का है result है। For example, if a metal is to be extracted from an ore, such as iron from iron ore, जैसे हम क्या करते हैं, metal को extract करते हैं, metal को अलग करते हैं, वी नीड टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। हम बहुत सी केमिकल चेंजेस की सीरीज को देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे अ मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेंज अ केमिकल रिएक्शन। कोई हम मेडिसिन बनाते हैं तो वो क्या है, एक नया प्रोडक्ट है केमिकल रिएक्शन का। यूजफुल न्यू मटीरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, तो वो सारे क्या है, केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट है। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज़ डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। जो भी नया प्रोडक्ट, नया मटेरियल बनता है वो केमिकल चेंजेस की स्टडी करके हम डिस्कवर करते हैं। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल चेंजेस। हमने क्या देखा है कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है केमिकल चेंजेस के बारे में, कि जो केमिकल चेंज होते हैं उसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनता है। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में अकंपनी अ केमिकल चेंज। देखो, जब हम न्यू प्रोडक्ट की एडिक्शन करते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें ये कुछ चेंजेस है हमारे, जो हमारे पास दिए हैं। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। जैसे हीट आती है, लाइट, ठीक है, और अदर रेडिएशन, अल्ट्रा वॉलेट, वो क्या है, सारे एब्जॉर्ब करता है। कौन, हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को, हम एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस होती है। अ चेंज इन स्मेल मे टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल मे बी गिवन अप। स्मेल होती है किसी चीज़ की, उसकी उसमें चेंज आना और नई स्मेल बनना, वो भी क्या है, एक चेंज है। अ कलर चेंज मे टेक प्लेस, किसी चीज़ का कलर चेंज होना, तो क्या है, ये सारा केमिकल चेंज। अ गैस मे बी फॉर्म्ड, कोई गैस बन रही है, ठीक है, वो भी क्या है, केमिकल चेंज के एग्जांपल्स हैं। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। यू सो दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ अ केमिकल चेंज। हमने पिछले लेक्चर में एक्टिविटी पढ़ी थी एक, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, तो मैग्नीशियम रिबन से क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ठीक है, वो क्या था, एक नया सब्सटेंस था। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या हो गया, हमारा केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, वुड एंड लीव ऑल्सो केमिकल चेंज। अब कोल जलेगा, वुड जलेगी, लकड़ियाँ जलेगी, पत्तियाँ जलेगी पेड़ों की, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज, क्योंकि उससे एक नया सब्सटेंस बनेगा, क्या, ऐश, राख। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ अ केमिकल चेंज। कोई भी बर्निंग होती है, कोई भी चीज़ जलती है, तो वो क्या है, केमिकल चेंज। बर्निंग इज़ ऑलवेज कंपेन्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसमें से हीट और लाइट निकलती है, ठीक है। एक्सप्लोजन ऑफ फायर ब्रॉक व फायर वर्क इज़ अ केमिकल चेंज। अब देखो, हम लोग कोई भी आग वाली चीज़ को जलाते हैं, एक्सप्लोज करते हैं, जैसे पटाखे वगैरह, तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। You know that such an explosion produce heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. अब हम explosion को जलाते हैं, पटाखों को जलाते हैं, तो आपने देखा है उसमें से हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है, साउंड भी आती है और कुछ गैसेस भी निकलती है जो हमारे एनवायरनमेंट को
एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड करती है, गंदा करती है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क। इसलिए आपको बोला जाता है कभी भी फायरवर्क्स के साथ, जो भी आग वाली चीज़ें होती हैं उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। When food gets spoiled, it produces a fuel smell. Shall we call this change a chemical change? अब देखो, हमारा खाना ख़राब हो जाता है तो उसमें से एक अजीब सी गंदी स्मेल आती है, ठीक है, वो क्या हम उसको केमिकल चेंज बोल सकते हैं? हाँ, क्योंकि उसमें एक नई स्मेल बन रही है। You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. देखो, अगर आप एप्पल काट के रखते हो, ठीक है, अगर आप जल्दी उसको नहीं खाओगे तो उसके ऊपर, एप्पल को अगर आप काट के रखते हो और जल्दी उसको नहीं खाओगे तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड केप्ट इन अवे फ्रॉम सम टाइम। अगर आपने ऐसा कुछ देखा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एक एप्पल को काट के रख सकते हो कुछ देर के लिए ऐसे ही। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो एंड ब्रिंजल। यही एक्टिविटी आप एप्पल वाली आलू के साथ या फिर बैंगन के साथ भी कर सकते हो। अ चेंज ऑफ कलर इन दिस केस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। इसमें जो कलर का चेंज आया है उस फ्रूट में, एप्पल में, कटे हुए एप्पल में, वो क्या है, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन है, मतलब उसमें नया सब्सटेंस बना है। आर नॉट दिस चेंज केमिकल चेंज, क्या ये केमिकल चेंज है? इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विद अ बेस। इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज? अब चैप्टर 5 में हमने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जो जिसमें जो सब्सटेंस ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक, तो क्या न्यूट्रलाइजेशन केमिकल चेंज है? नेक्स्ट आता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग, दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। अब देखो, रस्टिंग क्या करती है, आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं, लोहे के जो चीज़ें होते हैं, उनको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं, अफेक्ट करते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। सिंस आयरन इज़ यूज इन मेकिंग ब्रिज, शिप, कार, ट्रक बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल, द मोनेट्री लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। अब देखो, आयरन का जो यूज़ होता है, लोहे का यूज़ होता है, बहुत सी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे पुल हो गए, शिप्स, कार, ट्रक एक्सेट्रा, ठीक है। तो रस्टिंग क्या करती है, जब रस्टिंग से ये सब खराब होते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। रस्टिंग के प्रोसेस को हम एक इक्वेशन से समझेंगे। आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं, प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के जब एयर के कंपैरिजन में आता है, एंड वाटर H2O, ठीक है। जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कंपैरिजन में आता है तो वो क्या बनाता है, रस्ट, आयरन ऑक्साइड, यानी कि Fe प्लस O2 प्लस H2O क्या बनाएगा, Fe2O3, ठीक है। O3 है ना हमारे पास, एक ऑक्सीजन का, एक वाटर का, तो ये क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज असेंशियल। रस्टिंग की प्रोसेस के लिए वाटर और ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, विच मीन्स इफ इट इज़ मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम फास्टर। अगर एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है, नमी वाला, ह्यूमिड वाला क्लाइमेट होगा, एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा, तो रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर और बोथ। तो हम कैसे बचा सकते हैं आयरन के आर्टिकल को ऑक्सीजन और वाटर के कंपैरिजन में आने से? वन सिंपल वे टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। सबसे जो सिंपल तरीका है वो है आयरन के जो भी चीज़ें होती है उसके ऊपर पेंट करके या फिर ग्रेस करके। इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। ये जो कोट होते हैं पेंट के, ठीक है, या फिर ग्रेस के, इसको रेगुलरली अप्लाई करते रहना चाहिए आयरन आर्टिकल के ऊपर। अनदर वे इज डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। और दूसरा मेथड क्या है कि हम आयरन के ऊपर दूसरी मेटल, कोई और मेटल, जैसे क्रोमियम हो गया या जिंक, उसको आयरन के ऊपर लगाएं। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जब हम आयरन या जिंक के लेयर
कोट करते हैं, जिंक या क्रोमियम की लेयर कोट करेंगे आयरन के ऊपर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप वी यूज्ड ओवर होम टू कैरी वाटर एंड गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। देखो, आयरन के जो पाइप हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो गैल्वेनाइज्ड होते हैं, यानी कि उसके ऊपर जिंक की लेयर लगी होती है ताकि उनको हम रस्ट से बचा सकें। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। इन चैप्टर 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। देखो, क्लास 6 में हमने पढ़ा है कि जो सॉल्ट मिलता है हमें समुंदर से जो हम नमक मिलता है वो कैसे बनता है, सी का जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है, यानी कि समुंदर का जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है तब हमें नमक मिलता है। द सॉल्ट इज़ ऑब्टेंड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल। मतलब इवेपोरेट होकर जो हमें नमक मिलता है वो प्योर नहीं होता है, उसके क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। उसमें क्या होता है, क्रिस्टल की शेप हमें अच्छे से नहीं दिखाई देती है, क्लियरली नहीं दिखती है। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर। इसलिए प्योर सब्सटेंस के लार्ज क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं उसके सॉल्यूशन से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्रिस्टल बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ये भी क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे कि हम क्रिस्टल्स को कैसे बना सकते हैं। एक्टिविटी 6.9। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमने क्या करना है, एक कप में पानी लेना है या बीकर में, और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डाल देनी है। हीट द वाटर। फिर आपने उस पानी को क्या करना है, गर्म करना है। वेन इट स्टार्ट बॉइलिंग एड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टीरिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, जैसे पानी उबलना शुरू होगा तो आपने कॉपर सल्फेट का पाउडर उसमें डालना है और उसको हिलाते रहना है। ठीक है, कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। तब तक हमने कॉपर सल्फेट का पाउडर उसमें ऐड करके हिलाते रहना है जब तक कि सारा पाउडर डिजॉल्व ना हो जाए। फिल्टर द सॉल्यूशन। उसके बाद आपने सॉल्यूशन को फ़िल्टर करना है, मतलब तब तक हमने उसको गर्म करना है पानी को जब तक कि कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है वो पूरी तरह से डिजॉल्व ना हो जाए। फिल्टर द सॉल्यूशन। उसके बाद आपने सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर देना है, अलाउ इट टू कूल, और उसको ठंडा होने देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। जब वो सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा उसको हमने हिलाना नहीं है जब तक वो ठंडा अच्छे तरह से ना हो जाए। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम। कुछ देर के बाद आपने उस सॉल्यूशन को देखना है। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या आपको उसमें क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं? इफ़ नॉट, वेट फॉर मोर टाइम। अगर आपको क्रिस्टल नहीं दिख रहे हैं तो कुछ और टाइम के लिए उस वेट करना है, सॉल्यूशन को और ज़्यादा ठंडा होने देना है, तो आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल उसमें नज़र आएंगे। वट यू हैव लर्नड। क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में अभी तक? चेंजेस कैन बी टू टाइप्स। चेंज कितने टाइप के होते हैं? टू, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंज आर चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में क्या होता है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में चेंज आता है, यानी कि उसकी साइज, शेप, कलर एक्सेट्रा। नो चेंज सब्सटेंस आर फॉर्म दिस चेंज। इस फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। दिस चेंज में भी रिवर्सिबल, और इन चेंजेस को हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट फॉर्म में ला सकते हैं। इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस। केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। सम सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेंड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि हम सॉल्यूशन को सब्सटेंस को प्योर स्टेट में ला सकते हैं उसके सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट हो गया है।